वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ अफरीन और आज मैं फाइनली लेके आई हूँ, नहीं अभी आने वाली हूँ, एक मेकअप का वीडियो। वहाँ पे मैं जा रही हूँ और मेरे पास बहुत सारे सामान हैं। यहाँ पे आज मैं हल्दी मेकअप करने वाली हूँ और लास्ट टाइम मैं जिस लेडी के पास गई थी मेकअप के लिए, आज मैं वहीं पर जा रही हूँ क्योंकि उनसे मुझे और एक मेकअप कराना था आप लोगों के रिक्वेस्ट से। तो फाइनली आज वो हो पा रहा है एंड सॉरी बहुत दिनों तक वीडियो नहीं अपलोड कर पाई क्योंकि मैं थोड़ी सी बीमार थी इसलिए, बट नाउ आई एम ओके सो लेट्स गो। आज मेरी ननद की शादी है कल, तो आज हल्दी है तो उस हिसाब से आपको मेकअप करना है मुझको। आप प्लीज मास्क पहन लीजिए थोड़ा सा। वैसे इस बार उन्होंने हैंड को सैनिटाइज तो कर लिया है बट मास्क पहनना भूल गई, इसीलिए मुझे याद दिलाना पड़ा। आपके पास वो ज्वेलरी है ना, फ्लावर ज्वेलरी? अच्छा ठीक है, आप स्टार्ट कीजिए। मेरी स्टार्ट कहने के तुरंत बाद ही उन्होंने मेरे फेस को साफ करे बगैर ही लगाना स्टार्ट कर दिया, फेयर एंड लवली। थोड़ा सा ना आप स्लोली कीजिएगा क्योंकि आजकल मैंने बहुत सारा ऑयली खाना खा लिया तो मेरे फेस पे ना पिंपल्स आ गए। वैसे मैंने कहा था कि धीरे करो यार, बट इसको कहने के बाद वो और भी जोर जोर से मेरी स्किन को घिस रही थी। घिस नहीं रही थी एक्चुअली, मुझे लग रहा था कि मेरी स्किन नहीं है, ये एक मैदा है जिनसे वो मोमो बनाने की कोशिश कर रही है। सो इनका मैदा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है और हमारे मैदा रेडी होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी या फिर ऑयल लेके उसको थोड़ा सा लगा लेते हैं उस पर। तो ये वही कर रही है, ये प्राइमर नहीं है, ये पानी है। पानी है, आप थोड़ा सा देख लेना उस हिसाब से आपको मेकअप करना है। मतलब ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा हाई मेकअप मैं नहीं करूँगी क्योंकि आपको तो पता ही ना इस सिचुएशन में ज़्यादा गेस्ट नहीं आने वाले हैं, तो बहुत ही लाइट ऐसा कुछ करके देना आप मुझको। और वैसे भी घर का ही फंक्शन है ना तो ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो हम लोग मोमो का चैप्टर अभी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए क्लोज कर देते हैं और अभी आईब्रोज पे आते हैं। तो वो अभी कर रही है मेरी आईब्रोज को ड्रॉ। शादी थी इसलिए आपने वीडियो बनाया था, इस बार इसलिए वीडियो कर रहे हैं। हाँ पिछली बार तो किया था, इस बार मैं ना सोच रही हूँ कि एक यूट्यूब चैनल बनाऊँ, तो मैं सोच रही हूँ अपना कुछ मेकअप वेकअप का वहाँ पे मैं ऐसे ही पोस्ट करूँ, तो इसीलिए वीडियो के लिए तो फिर मुझे भी एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा ना। हाँ मतलब मैंने ना अभी तक चैनल बनाया नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम करने ही वाली हूँ, चैनल मेरा नहीं है, मैं नहीं भी बना सकती हूँ तो उसका कुछ श्योरिटी नहीं है। और वैसे भी आप मेकअप के लिए तो 2000 ले ही रहे हो ना, और मैं बहुत ही एक हल्का मेकअप करूँगी और मैं तो आप ही के पास आती हूँ ना हर वक्त मेकअप करने के लिए, तो इसीलिए आप जाने दो इस बारे में। तो तुम हमेशा मुझको डायन बना के छोड़ती हो, और दूसरी बात आपको वीडियो के लिए एक्स्ट्रा पैसे भी चाहिए? ओह माय गॉड आर यू क्रेजी, क्या बताओ यार, वैसे भी तुम लूट रहे हो हम सबको जो लोग तुम्हारे पास आते हैं, और उसको ऊपर से दीदी को एक्स्ट्रा पैसा चाहिए वीडियो के लिए। वैसे जब मैंने कहा था कि मैं पैसे नहीं दूंगी आप छोड़ो इस बारे में, तो उनका जो फेस है वो देखने लायक था, अगर आप लोग देखते तो आप लोगों को पता चलता, गुस्से से वो लाल हो गई थी। तो उसी का जो गुस्सा है वो अभी वो मेकअप के यू नो मेकअप पे निकालने वाली है। आप मुझको ना थोड़ा सा नेचुरल टाइप के मेकअप कर देना, मतलब साड़ी के हिसाब से, साड़ी तो सिंपल जैसा है मतलब, तो उस हिसाब से। तब आगे इनकी नाजुक सी कमज़ोर सी बीमार वाली झाड़ू, और जिनसे वो लगा रही है ग्लिटर, उन्होंने पिछली बार कंसीलर लगाया था, इस बार शायद वो भूल गई। वैसे पिछली बार तो मैंने कहा था कि मेरी शादी है इसीलिए आप बंगाली ब्राइडल मेकअप करके दो, तो उन्होंने भयानक ब्राइडल मेकअप करके दिया था। इस बार इसीलिए मुझे झूठ कहना पड़ा, इसीलिए मैंने कहा कि मेरी ननद की शादी है, और अगर सच में शादी होती तो पता नहीं क्या हो जाता, मतलब मैं तो इनके पास कभी भी नहीं आती थी। और तो बाकी तो आप लोग देख ही सकते हो कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे लेके मोमो बनाया जा रहा है अभी। ओ बाय द वे अभी बन रहा है मोमो का चटनी। वैसे हल्का ग्रीन चटनी बनाने के बाद उनका जी नहीं भरा, उन्हें लगा नहीं यार ये तो हल्का हो गया, तो उसी के ऊपर वो फिर से एक डार्क ग्रीन कलर अप्लाई कर रही है, मतलब ग्लिटर के ऊपर ग्लिटर, उसके ऊपर फिर ग्लिटर, उसके ऊपर फिर ग्लिटर। वैसे ये हल्दी मेकअप नहीं हो रहा, ये जंगली मेकअप हो रहा है, जंगली मेकअप। वैसे अभी वो पिंक कलर लगा रही है उसके ऊपर, तो काफ़ी अजीब दिख रही हूँ मैं, क्या ज़रूरत है पिंक कलर लगाने की, मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं है। बट इनका पता नहीं वो हर वक्त मेरे ऊपर ना एक्सपेरिमेंट करती रहती है, इसके ऊपर वो लगाती है, उसके ऊपर वो लगाती है, ये लगाती है, क्या कलर पता नहीं क्या है, मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो रहा है इनको देख के। हाँ घिसो घिस के लाल कर दो मेरी स्किन को, जितने सारे छोटे मोटे पिंपल्स आए हैं ऑयली फूड के वजह से, खाने के वजह से, उसको भी घिस के पिंपल्स भी सब कुछ उठा लो आप। वाकई में आप महान नहीं आप तो अल्ट्रा टैलेंटेड लेडी हो। तो अभी आप लोग देख सकते हो ये अप्लाई कर रही है आईलाइनर, और इन्होंने आईलाइनर को बहुत ही अच्छी तरह से लगाया। थैंक यू। लिपस्टिक साफ नहीं किया आपने?
हाँ हाँ सब कुछ मेरे कहने के बाद ही आप करो, पहले तो आप देख ही नहीं रहे थे। वेल लिपस्टिक का छोड़ो, आपने तो मेरा फेस तक साफ नहीं किया। हाँ अब आ गया इनका स्पेशल मस्कारा, और मस्कारा में तो कुछ नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था, छोटा मोटा कुछ था शायद, सूख गया था तो उसी से वो काम चला रही है। तो मैं साड़ी, अब साड़ी पहना दोगे ना? मैं बंगाली स्टाइल में साड़ी पहनूंगी। हाँ, साड़ी भी पहनूंगी। तो लास्ट में या फिर अभी? ठीक है, आपको जो ठीक लगे। वो तो मुझसे बात ही नहीं करना चाह रही थी, शायद वीडियो के पैसे चाहिए थे उनको, वो मैंने नहीं दिया। अब देखो कितने तेवर दिखा रही है, बात पूछ रही हूँ बट बता ही नहीं रही कुछ। तो अभी वो अप्लाई कर रही है फाउंडेशन, और पता नहीं वो कैसे ब्लेंड करेगी। एक तो हाथों से करती है, दूसरे अच्छे से घिस के करती है, रगड़ के करती है, मेरी स्किन को नेचुरल रेड कलर दे देती है एकदम। बहुत ही अल्ट्रा टैलेंटेड लेडी है, जैसे कि मैं हर वक्त बताती हूँ आप लोगों को। हाँ हाँ खींचो खींचो, मैं तो मैदा हूँ, खींचो खींच के मैदा से मोमो बना लो, जैसा मर्जी वैसा शेप दे दो आप मुझको। आपको ना एक ब्यूटी ब्लेंडर खरीद लेना चाहिए या फिर कुछ ब्रश। हाँ आसानी होती है, बट अभी तो आपको सिचुएशन पता है ना, कोरोना वायरस का ऐसा ही टाइम चल रहा है, तो अभी ना ऐसे करने से थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, मतलब बहुत सारे लोग आपको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं इस चीज़ को लेके। मार्केट वगैरह तो बंद है अभी, पड़ गए ना जूते, मिल गई आप लोगों को शांति। आप लोग ही बोल रहे थे कि इनको टीच करो, तो मैं तो करने गई थी, और ये कितनी झूठी है, सारे दुकान खुला है। वैसे आपने कहाँ से कोर्स किया? कोर्स वैसे कहीं से नहीं किया, यूट्यूब से देखकर या वहाँ से देखकर सीखी। देखो देखो कितनी झूठी है, पिछली बार कहा था कि हाँ मैंने कोर्स किया, कोर्स मेरा ख़त्म हो गया, और इस बार देखो क्या बोल रही है कि मैंने कोर्स ही नहीं किया, ऐसे ही कर लेती हूँ मेकअप। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप उनको टीच करो, सिखाओ ये वो, कोई ज़रूरत नहीं है, जिनको सिखाने का मन कर रहा है वो खुद आके इसकी क्लास ले लो। तो एक्चुअली ये कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं है, ये मैदा है जो वो मेरे ऊपर लगा रही है, जिससे मैं बहुत चमक रही हूँ। अभी वो मुझे स्माइल करने के बोल रही है ताकि वो अच्छे से ब्लशर लगा पाए मेरे ऊपर। ये ब्लशर नहीं है, ये रेड चटनी है जिनसे वो मोमो खाने वाली है। तो इससे मैं एकदम छोटा भीम की छुटकी दिख रही हूँ, एकदम जैसे मैं हर वक्त कहती हूँ लाल लाल टमाटर जैसे गाल। अब बस भी करो, कितना घिसोगे आप, बस करो, बहुत हुआ, बहुत ही अच्छी दिख रही हूँ मैं, थैंक यू। अब आ गया इनका स्पेशल वाला हाइलाइटर, जिससे वो कर रही है मेरी स्किन को एकदम ग्लोइंग, मतलब चमकीदार, उसी बीमार झाड़ू से। और इसके बाद मेरी स्किन से एकदम लाइट निकलेगी, और मैं जहाँ भी जाऊँगी वहाँ लाइट्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरी स्किन ही काफ़ी है लाइट्स दिखाने के लिए। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे जोकर बनाया जा रहा है, या फिर मेरे ऊपर पेंट किया जा रहा है। तो अभी आ गया इनका ऑरेंज कलर का लिपस्टिक, लिक्विड लिपस्टिक, और ये ऑरेंज नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे ऊपर कोई सॉस लगा रहा है, सॉस, हाँ टोमेटो सॉस, चिली सॉस, यही सारे सॉस। यहाँ पे ओ, आप दूसरे कलर लगाओगे है ना, सॉरी भूल गई थी। मुझे लगता है ये ना थोड़ा सा अलग हो गया, एक ही कलर लगा दीजिए ना आप। हाँ वो मेकअप कर ना, कलर देख के मेरी दीदी हंस रही थी बहुत ही ज़्यादा। इस कलर से मैं कितना डरावनी दिख रही हूँ आप लोगों का देखते तो पता चलता है, एंड सॉरी फॉर द नॉइज। मैं अपनी दीदी को लेके गई थी, और मेरी दीदी की जो छोटी सी एक बेटी है वो, और पार्लर लेडी का एक बेटा है छोटा सा, वो दोनों बहुत ही खेल रहे थे, तो इसीलिए। तो आप लोग देख सकते हो इन्होंने मुझको बंगाली स्टाइल में साड़ी पहनाया, बट एकदम भी अच्छे से नहीं पहना पाए वो, इसीलिए मैं कुछ खास अच्छी नहीं दिख रही हूँ। अभी टाइम है हेयर स्टाइल का, और मैंने इनको बहुत ही सिंपल से एक हेयर स्टाइल बनाने को कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी हेयर का सत्यानाश हो जाए। मैंने इनको एक सिंपल सा हेयर स्टाइल करने को कहा, और इन्होंने बस एक चोटी करके मुझको छोड़ दिया। अच्छा आप, मैंने तो सोचा था कि आप वो आर्टिफिशियल सुंदर सुंदर होते हैं ना, वो लगाओगे। हेयर वाला भी तो अच्छा है ना, ये रियल वाला है तो ज्यादा रियलिस्टिक लुक देगा आपको। ठीक है, बट यहाँ पे तो जिसकी शादी है वो अगर करे तब ठीक लगता है, बट इनको आर्टिफिशियल फ्लावर ज्वेलरी के बारे में बताया था, बट इन्होंने एक गेंदा फूल का ये सब क्या कर दिया। जिनकी शादी है वो पहने तो अच्छी बात है, अलग बात है, बट इन्होंने मुझको ये पहना दिया, इतना मुझे पता नहीं क्या, बहुत ही बुरा हालत था मेरा। और आप मेरा होंट को देखो, एकदम पिछली बार की तरह होंट को उन्होंने होटल बना दिया, एकदम खींच के कितना बड़ा कर दिया। फिर इन्होंने दो बिंदी लगा दिया, एक रेड नहीं सॉरी एक येलो और एक ग्रीन। हाँ बट ये अच्छा दिख रहा है, ये जो बिंदी है मुझे काफ़ी पसंद आई।
पिछली बार की तरह मैं फिर भी अभी अच्छी दिख रही हूँ, बट कैमरे में, सिर्फ कैमरे में। ये चीज़ आप लोग नहीं समझते हो, तो बहुत सारे लोग कहते रहते कि नहीं आप तो अच्छी दिख रहे हो, अच्छी दिख रही हो, बट आप अच्छे से देखो मेरा हाइलाइटर और बाकी सब कुछ का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और ये जो उन्होंने माला पहनाया है, उनको देख के मुझे लग रहा है मैं शमशान जाने वाली हूँ। मतलब मरने के बाद लोग ऐसे ही माला डाल देते हैं, तो ऐसा ही लग रहा है मैं शमशान के लिए रेडी हो रही हूँ। पिछली बार इन्होंने आईलैशेस तो लगाए नहीं थे, और इस बार एक आईलैश उन्होंने लगाया, बट वो भी किसी का लग रहा है जैसे यूज़ किया हुआ है, क्योंकि वो पहले से ही उसमें बहुत सारे ग्लू ग्लिटर्स वगैरह लगे हुए थे, तो उसी से उन्होंने काम चला लिया। तो आपको कितना देना पड़ेगा? ये मेकअप तो मैं 2000 में करती हूँ, आप 2000 रुपये देना, और फूलों के लिए एक्स्ट्रा 50 रुपये देना। मैंने सच में, मुझे ये वाला फ्लावर ज्यादा पसंद नहीं आया। मतलब मैंने सोचा था कि आप आर्टिफिशियल जो आजकल मार्केट में मिलते हैं वही आप लगा के दोगे, पहना के दोगे, बट ये रियल मेरे ख्याल से ये तो जाते जाते सब गिर जाएगा शायद। नहीं नहीं, ये ताजे है, गिरेगा नहीं। बट आप ये यही तो मेकअप के अंदर आप इंक्लूड करके दे सकते हो ना, इसके लिए फिर से मुझे 50 पे करना पड़ेगा। ज्यादा तो नहीं कहा वैसे। नहीं देखिए, आप 2000 के हिसाब से ये मेकअप, वैसे सच कहूँ तो सच में 2000 के बिल्कुल भी नहीं है। मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा कम करो, आप ना 1500 में ही कर दो। नहीं नहीं, कम नहीं होगा, मैं सबको यही। मैं तो आप ही के पास आती हूँ ना हर वक्त मेकअप करने के लिए। नहीं, अभी तो लॉकडाउन के टाइम वैसे ही कस्टमर्स कम आते हैं, आप बाद में आएगा डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है ठीक है, फिर चलती हूँ। हाँ, आप फिर से आइएगा किसी को अगर मेकअप करवाना हो तो हमारा। ठीक है, हाँ बता दूंगी। ठीक है फिर। सो गाइस, एक मिनट। ओह अच्छा, तो दिस इज़ द फाइनल लुक। आप लोग देख सकते हो कि मैं कितना भयानक दिख रही हूँ। मैं वैसे दुपट्टा ऐसे ही ओढ़ के, मतलब साड़ी का जो आँचल है ऐसे ही करके मैं आई हूँ अपना शक्ल छुपा के, क्योंकि मैं काफ़ी भयानक दिख रही हूँ। और इसको मैं खोल देती हूँ अभी। तो बहुत सारे लोग कहेंगे अभी कि अच्छा ही तो दिख रहे हो आप, अच्छे लग रहे हो, बट एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग मुझे अच्छे से देखो, फिर आप लोग को पता चल जाएगा कि मैं कितना ज़्यादा भयानक दिख रही हूँ। और अगर किसी और की छोटे मोटे शादी में मैं हल्दी में ऐसे सच के गई, तो लोग मुझको देख के हंस हंस के पागल ही हो जाएंगे, और मुझे कहेंगे कि ये कौन सा पागल आ गया, कहाँ से आया ये। और मुझको पकड़ के वो लोग सीधा मेंटल हॉस्पिटल लेके जाएंगे या फिर शमशान घाट। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। अगर घंटी नहीं बजाओगे तो घंटे भी आपको नहीं मिलेंगे जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और किस टाइप के वीडियोस आपको देखने हैं वो आप मुझको ज़रूर बता देना कमेंट में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग मुझको इंस्टा में फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आप लोग मुझको मैसेज कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करने में मुझे। ओके देन, बाय, टेक केयर, लव यू।